अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी लाइव वीडियो आपने देखी होगी जब मैंने इसको क्रॉप करके ऐड किया था, और इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको बताती हूँ कितने मैंने डाले थे इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले एक अंडा लेना है, उसमें चुटकी नमक डाल के उसको अच्छे से बीट कर लेना है कि वो डबल हो जाए। तो आपने लाइव वीडियो में देखा था कि मैंने इसको कितनी देर बीट किया था। तो ये बीट हो गया है, अंडा डबल हो गया है। तो मैंने इसमें एक कप पीसी हुई चीनी डाली है। तो इसको भी अच्छा सा बीट कर लेना है, ये कलर चेंज करेगी। ये देखें कलर भी चेंज हुआ है। तो अब इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड कर देना है, और इसको अच्छा सा मिक्स करके इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और अब मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर को इकट्ठा छान लिया था। इसको अच्छे से बीच में मिक्स कर देना है। तो मिक्सचर ये देखें ड्राई है। तो इसमें 5 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड किया था, आपने भी ऐसे ही करना है। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसे लगे। तो ये मैंने घर की बनाई हुई टूटी फ्रूटी जो बनाई थी उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया था। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे केक के मिक्सचर में, और इसको बेकिंग ट्रे में निकाल कर बेक कर लेंगे। मैंने प्री हीट ओवन में इसको बेक किया था। तो तकरीबन 30 मिनट में, 36 मिनट में ये बेक हो गया था। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं तंदूर में बेक करती हूँ, और तंदूर में मैं कैसे बेक करती हूँ वो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो मैं इधर एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी कि मैं तंदूर में कैसे बेक करती हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सांचे में निकालने के बाद इसको ना 2-3 दफ़ा टेबल पे ना रख के टैप करना है, ताकि बबल्स वगैरह जो हैं वो निकल जाएं और मिक्सचर जो है वो लेवल हो जाए। तो ऊपर से थोड़ी सी आप टूटी फ्रूटी डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी है डाल सकते हैं, मैंने तो डाली थी। तो मुझे बताइए कि आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया था, और मैं आगे लाइव सेशन करूं या ना करूं इस हवाले से भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हाँ, लेकिन केक तैयार हुआ हुआ देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था खाने में, और भी मज़े का लग रहा था। तो आप सब ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे बताना है आप सब की कैसी बनी। और बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि रेसिपी देख लेते हैं, यूट्यूब मुझे सब कुछ बता देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, इसमें आपके पैसे नहीं लगते, और लाइक भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।